वो है गति। गति क्या है? तो गति किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की गति कहते हैं। यानी गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे मीटर में हो और समय हमारा सेकंड में हो तो गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये तो गति हो गई यार। लेकिन गति के प्रकार आ गए। गति के प्रकार कितने प्रकार की गति होती है? तो गति हमारी मुख्य रूप से कितनी होती है? पांच प्रकार की होती है। एक सरल रेखीय गति, एक घूर्णन गति, एक वृत्तीय गति या परिक्रमण गति, एक आवर्ती गति या एक दोलन या कंपन गति। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में जानें। एक पहले है हमारी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी कोई वस्तु जब सीधी रेखा में चलती है, मान लीजिए गेंद है और ये डेस्क पर एक सीधी रेखा में चल रही है, देख रहे हैं, सीधी रेखा में चलती है तो वो हम क्या कहेंगे? उसको रेखीय गति कहेंगे। इस तरीका से कौन सी गति कहलाएगी? आपने रेल की पटरी, रेल देखी है, पटरी में सीधी चलती है, ऐसा नहीं जिग-जैग चलती है, सीधी चलती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सरल रेखीय। नंबर दो आती है घूर्णन गति। ये दरवाजा देखा हमने किस तरह का घूम रहा था। दूसरे, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर, घूर्णन गति जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि लट्टू, लट्टू देखा है आपने, अपने टिप पे एकदम से घूमता रहता है। और दूसरा मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है? ग्लोब। देखिए किस तरीका से ये अपनी कीली पर घूमती है। यानी जब वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्लियर हो गया? फिर आता है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु, माने जब कोई वस्तु अपने वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर घूर्ण गति करती है तो वो कैसे कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। मान लीजिए ये मैंने धागा है, ये गोलक है, इसे बांध लिया है, बांधने के बाद इसको घुमा रहा हूं, तो ये जो गति कर रहा है गोलक, ये कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब एक वृत्तीय गति का उदाहरण ये भी है, जैसे कि हमें पता सन, जो हमारे सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमण करते हैं, यानी कि वृत्तीय गति में चलते हैं। ये पृथ्वी ग्लोब है, मानिए सूर्य है, और ये दो गति है पृथ्वी, एक घूर्णन गति और एक इसकी परिक्रमण गति, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो जब पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक घूर्णन गति होती है, परिक्रमण गति होती है। अब घूर्णन गति पूरा करने में कितना समय लेती है पृथ्वी? जिससे हमारे दिन और रात होते हैं। क्लियर है? और एक परिक्रमण गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसे कितना समय लेती है? 1/4। इससे हमारी क्या होती है? ऋतुएं होती है। क्लियर हो गया? अब नंबर चार पे आती है आवर्त गति। आवर्त गति यानी घड़ी। घड़ी का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर अपनी स्थिति बार बार दोहराती है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, 12 बजे पर दोनों एक साथ हो जाएंगी, फिर 12 घंटे बाद 12 बजे आएंगे तो फिर उसे इकट्ठी हो जाएगी। यानी ये सुइयां एक निश्चित समय पर अपनी यथा स्थिति दोहराती है, तो ये कौन सी गति? आवर्त। कौन सी गति है? आवर्त। इसके बाद नंबर 5 पर है दोलन गति। दोलन गति क्या है? अब मान लीजिए ये धागा है और ये हमारा गोलक लटका हुआ है, ये एक साम्य स्थिति यानी कि मध्य स्थिति। मान लीजिए मैं इसको इस तरीका से करता हूं तो ये जो वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों तरफ एक सरल गति जो कर रही है, इसको क्या कहेंगे? दोलन गति। क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। तो ये दोलन गति मान लीजिए इस बोर्ड पे देखिए, इस तरीका से मैंने छोड़ा, छोड़ने के बाद ये पहले यहां पे जाएगा, फिर यहां पे जाएगा, फिर एक गोला, एक गोलक या एक दोलन पूरा करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे हम? दोलन या कंपन गति कहते हैं। इस प्रकार से गति हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की गतियां होती है।